फकीर होने लगे। और 5100 रुपए भागवत के लिए भी दिए, भंडारे के लिए। हाँ ऐसे नहीं, एक बार साथ साथ ताली। मनोबल बढ़ाया जाता है, घटाया नहीं जाता। ये हमारे नरेंद्र भैया प्रधान जी ग्राम शादीपुर से, और हमारे पंचायत के ही अभी ये राजा हैं। अभी राजा हैं भैया, राजा तो राजा ही होते हैं। हम तो एक तख्त पे चौकी पे चिल्लाने वाले, बक 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 करने वाले हैं। तुम चौकीदार हो, लेकिन बोल रहे हैं, अबे रुको, हमने अपन तनुआ बंद कर लो का। 101 रुपए हमें और 101 रुपए रेनू को, और 10 रुपए से हमारे सर्व स्टाफ को सम्मानित किया है नरेंद्र भैया हमारे प्रधान जी की तरफ से। मैं भगवान से कामना करता हूँ, ठाकुर जी की कृपा हमेशा उनके ऊपर बरसती रहे। हाँ देखो ये बात लोग नहीं कहते, लेकिन मैं कहता हूँ, क्योंकि हम वैसे आदमी नहीं है ना, हम काऊ के दबाव में सो में कोई खाए ले। हम बात कहते हैं क्लियर, अगर हमारे नरेंद्र भैया अगर ऐसे हैं और ऐसे ही बने रहेंगे तो हम तो कहते हैं ठाकुर जी 5 का योगी जैसे 25 साल दे दे उन्हें, हमारी क्या भाई। हम कभी किसी का, हम तो अबे तैसे फिर रहने, लेकिन राजा की कृपा हो जाए तो प्रजा बड़ी खुश हो जाए। सब राजाओं के ऊपर होता है। तो एक बार राजा तो राजा, मुंह की तरफ क्या देख रहे, ताली पीट दे। हाँ मैं भगवान से कहता हूँ, अरे नरेंद्र प्रधान की रे बरनी में और रात दिन की भागवत थी, सोने को टाइम नहीं मिलता था। रात में 2-3 बजे आरती कराओ, 2-3 बजे आरती कराने वाला व्यक्ति 4-4.30 बजे की तरफ सोए। अब चाय पानी करे करे तब तक भुरारो हो जाओगे, और जैसे ही सवेरे जगे हमने की का करतो नहाओ, अब इन उनको सीधो नहाओ, हमें रोटी खा ले, और रोटी खाई तो नहीं बच गए बाहर, हमें चलो गद्दी, और फिर गद्दी पे फिर 5-4 बजे आरती कराई, फिर माने के दे जे टेल पे गए, फिर रोटी खाई, हमने की चलो गद्दी पे। अब जे बोले के लला तेरे संग मैं चिमटा बजावे कबू ना, तेरे तो मेरे को मारी डालो। तो देखो ऐसा नहीं, बाहर जाते मेहनत पड़ती है, और मेहनत का ही काम है। अब जून 10 जून तक टाइम नहीं है, और क्या महीना है, अभी 2 महीना तो फ्रेश है, और इतनी ताकत तो चिल्लानो है पूरे जेठ मास ऐसी कट जाएंगे, तो फिर कैसे हम का करते होंगे, तब हम भगवान जाने हमें कैसे रहने हैं। अब गाँव आए तो जो चाहते हैं चिल्लाते रहो, एक गिलास दूध मन दे उस कल मरे स्वाजी मच्छा। प्रेमी सज्जनों जैसे ही कहा है तो कहा है, इंद्र से बोले हैं
भगवान विष्णु। वैसे एक बात है यज्ञपति जी, बिटियां मायके में पहले मिलती हैं और शादी के बाद को कब आई हमारे तब वो आई आई ना आई। एक गांव की है सहेली है और हम बाद में आए और हमारे तब बुना आई तो मायके में 200 साल बैठा ना है पाता। आज बड़े अवभाग्य है जब पंडाल में ठक के बैठे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। बोल गोविंद भगवान की। अब समझे भाई, समझ गए, समझने का समझ लूंगे। हाँ बड़ी अच्छी बात है। अब जब इतनी बात कही, इंद्र से वादा कर दिया कि तुम चले जाओ और जितना संभव होगा मैं करूंगा। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया इंद्र के जाने के बाद, छोटा सा रूप भगवान ने बनाया, कितना केवल 52 अंगुल का। बोल 52 भगवान की। हर गांव की बात है, कोई नहीं थी। 52 अंगुल का रूप बनाया और जब चले तो राजा बलि के दरवाजे पे पहुंचे तो जाकर के कहा पहरेदार से कि जाओ अपने राजा से कहो कि एक संत दरवाजे पे आया। पहरेदार बोला हम तो ही मांग ले, छोटे मोटे तो भेजो दिखाई देता जो कछु चाहिए राजा तक काय को भेजो है। तो 52 भगवान बोले राजा बलि पहरेदार से, अरे ते श्राप भस्म हुई
मुल्क का बहुत छोटे से महात्मा हमारे दरवाजे पे आए हैं। जैसे ही राजा बलि ने सुना भागे, लेकिन शुक्राचार्य कह रहे हैं देख रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे कोई महात्मा आए आ जाने दे, तू यज्ञ कर रहा है यज्ञ बैठ। राजा बलि बोला एक संत हमारे दरवाजे पे खड़ा है और मैं